खोर शीराबाद इलाके में, पटन के इस इलाके में एक जे एंड के बैंक ब्रांच को जो है कुछ नामालूम बंदूक बंदारों ने लूट लिया था, और वहाँ पर उनकी कोशिश थी कि वो और ज़्यादा इसमें जो है कैश वहाँ से लूट कर सकें, बट वहाँ पर जो बैंक ऑफिशल्स थी उनकी होशियारी और प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से वो जो डैमेज है वो मिनिमाइज हुआ। हमारी जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन थी और जो क्लूज़ हमको वहाँ से बरामद हुए थे उसकी बिना पे हमने वहाँ पे जो इनकी गाड़ी वगैरह जो बरामद हुई उसकी छानबीन शुरू की, और वहाँ से उनका चेसिस नंबर, इंजन नंबर वगैरह निकाल के, क्योंकि इस पे नंबर प्लेट्स जो है वो उन्होंने हटा दिए थे, वो डिटेल हमने ली, और उसके बाद हमने फर्दर इसमें तफ्तीश शुरू की। इसी ट्रेल पे चलते हुए हमने कुछ सस्पेक्टेड एरियाज़ और ह्यूमन और टेक्निकल लिंक की बेसिस पे हमने सर्चेज शुरू की। सर्चेज काफ़ी देर तक चली और हमारे पास कुछ और क्लूज़ भी आए थे, और उनको देखते हुए हमने जो है काफ़ी और लीड्स और क्लूज़ इसमें हासिल किए। इन्हीं लीड्स के चलते चलते जो है हमें कल सुबह वहाँ पे जो एक गाड़ी हाईजैक हुई थी जो उन्होंने वहाँ से फ़रार होने में इस्तेमाल की थी वो रिकवर हुई, और साथ साथ वहाँ से जो 12 बोल राइफल भी स्नैच की गई थी वो भी रिकवर हुई। सर्च जो चल रही थी उसका एरिया जो है वो इनलार्ज करना पड़ा, उसको इनलार्ज किया गया, और इनलार्ज करते ही उसमें हमारे पास जो है पीपीई किट्स जो डिस्कार्ड किए गए थे वो एक जगह से हमारे पास बरामद हुए। इन क्लूज़ के चलते ही हमने फिर अपनी जो एनालिसिस है, जो एनालिटिकल टीम है, वो उस पर बिठाई, और जो कांस्टेंट हमारी सर्चेस चल रही थी और कांस्टेंट हमारा एंडेवर चल रहा था उसके नतीजे में हमको 23 और 24 यानी कल रात की दरमियानी रात में जो है हमारे पास कुछ क्लूज सामने आए, जिसकी बिना पे हमने रेड्स किए, कई जगह सर्चेस की, और तीन लोग हमने जो हैं इसमें गिरफ्तार कर दिए हैं। मैं बताना चाहूँगा कि इसमें सबसे अव्वल तो जो लोग थे वहाँ पे शेरखुराबाद के, उनका रोल बड़ा जो है एक बहुत अच्छा रहा। उन्होंने इन लोगों को रोकने की भी कोशिश की, जबकि ये लोग आर्म्ड भी थे, कुछ वहाँ पे फायरिंग भी हुई थी, उसके बावजूद लोगों ने बहुत बहुत ज़्यादा बहादुरी का मुजाहरा किया और इनको रोकने की कोशिश की, और इनके ऊपर पत्थर भी मारे, जिस वजह से हमें क्लूज़ लेने में भी आसानी हुई। तो ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहली बात थी। और इसके अलावा जो हमने पहले तसव्वुर किया था कि इसमें एक लूट का एक जो है सिलसिला चला आ रहा था, और साथ में ये उसमें एक कड़ी थी, और हमें ये लग रहा था कि लूट का ये एक मॉड्यूल है, लेकिन इसमें जो तफ्तीश में अभी तक हमारे पास सामने आया है ये काफ़ी एक सीरियस टर्न ले चुका है। इसमें हमारे पास इन लोगों की मुलविस ये पाए गए हैं जो पिछले महीने अर्लियर इस दिस मंथ जो एक सिविलियन मारा गया था बड़गाम इलाके में, वो काम भी इन्होंने ही अंजाम दिया था, और इनसे जो वेपन रिकवर हुआ है उसकी अभी तक ये तस्दीक हो चुकी है। वहाँ पर जो नसीर अहमद ख़ान वल्द गुलाम मोहम्मद ख़ान बुचीपुरा मागाम में जो 11/4 को एक सिविलियन मारा गया था वो कारनामा भी इन्हीं का है। इसके अलावा ग्रामीण बैंक उगमुना कुंजर 12 मार्च को, ग्रामीण बैंक पंजीनारा 16 मार्च को, जे एंड के बैंक चांदीपुरा 24 मार्च को, और जे एंड के बैंक खुर्शीदाबाद 22 अप्रैल को। उससे पहले इन्होंने पेट्रोल पम्प एक बड़गाम में 18 फरवरी को वो भी लूटा, और वहाँ से भी इसमें इन्होंने जो है वहाँ से कैश रकम बरामद हुए। जो इनका मॉड्यूल है, और जब हमने जो इनसे पिस्टल वगैरह वेपन्स रिकवर हुए हैं और जो इनसे एमिनेशन रिकवर हुआ है उसकी डिटेल हमने ली, और जो डिस्क्लोजर सामने आया वो ये आया कि ये लश्कर ए तैयबा का एक मॉड्यूल था जहाँ पर इन्होंने एक जो है डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है लश्कर ए तैयबा का यूसुफ डार, जिसको इस कंट्रो के नाम से भी जानता है, और अबरार नदीम, इन दोनों के बेहस्ट पे इन्होंने ये सारे काम किए थे, और इनको ये बताया गया था कि ये कार्रवाई करने पे इनको तंजीम में पूरी तरह शामिल किया जाएगा। तो इस हिसाब से ये एक स्लीपर सेल था जो ऑपरेट कर रहा था। इसमें कुछ लिंक्स हमें बाकी दीगर
اضلاع کے بھی ملے ہیں جن پہ ابھی کاروائی اور انویسٹیگیشن جاری ہے. اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انلسٹڈ ہمارے پاس کیا کیا ریکوریز ہوئی ہیں, تو اس میں ہمارے پاس ایک چائنیز پسٹل, دو میگزین, 25 راؤنڈ, 2 12 بول رائفل, ان 12 بول رائفل کے کچھ کارٹریجز, ایک جو پاؤچ پہنتے ہیں جس میں ایمونیشن وغیرہ رکھا جاتا ہے, وہ 2 عدد, ملٹی پرپز نائف ایک ملی ہے, پی پی کٹس جو برآمد ہوئے, اس کے علاوہ ویکلز جس میں یہ بھاگے تھے جو انہوں نے باقی ارلیئر کاموں میں بھی انجام دیا ہے, وہ اور ایک ویپن ٹائی چین. جو اریسٹڈ پرسنز ہیں ان کا نام ہے نثار احمد بٹ, ولد غلام محمد بٹ, چھان محلہ سنگھ پورہ, راہیل احمد پرے, بشیر احمد پرے, کنیہامہ ماگام, اور محمد عارف میر, غلام محمد میر, مازامہ ماگام. سر اب یہ چور ہم ان کو کہیں گے ملٹنٹ؟ دیکھیے یہ ڈیفینیٹلی ایک ملٹنٹ ماڈیول تھا, جو ہم نے پہلے ہی کہا کہ جو پہلے ہم تصور کر رہے تھے کہ یہ لٹیرے ہیں بینک کے, لیکن جو ان کے سامنے سرکت ایک بہت گھنونی سامنے آئی ہے کہ انہوں نے اس بات کی یہ جو ہے ایڈمیشن کی ہے کہ انہوں نے اس سویلین کو وہاں پہ بوچی پورہ میں مارا تھا, تو اس کے علاوہ ان کے جو لنکس ہیں وہ کلیئرلی لشکر طیبہ سے ہیں, تو وہ چیز سامنے آتے ہی اس کو ہم یہ کلیئرلی ثابت ہو گیا کہ یہ ایک ملٹنٹ ماڈیول تھا, ایک سلیپر ماڈیول تھا جو اس ایریا میں ایکٹیو تھا. سر کتنے کیسز سال, سر واٹ اباؤٹ ریکوری؟ ریکوری کی لسٹ میں نے ابھی آپ کو پوری دے دی. کیسز کتنے سال ہو گئے؟ تقریباً 6 کیسز ابھی تک جو ہیں, انویسٹیگیشن جاری ہے ابھی, آپ بولیں گے تقریباً 6 کیسز جو ہیں ابھی تک سالو ہوئے ہیں, اور ریکوری اس میں ابھی تک انہوں نے 24,500 روپے کیش بھی ہمیں اس میں برآمد ہوا ہے, باقی کیش انہوں نے کچھ چھوٹے چھوٹے لشکر کے ماڈیول کہیں ٹی آر ایف کے نام سے, کہیں کسی نام سے یہ چلانے کی کوشش کر رہے تھے, ان کے لیے ایک فنانسنگ کا بھی ایک ماڈیول جو اس میں لنک ہے وہ سامنے آ رہا ہے, اور اس کی فردر تفتیش کے ساتھ آپ کو ڈیٹیلز دے دی جائیں گی. اس میں کچھ اور اضلاع کا بھی نام آ رہا ہے, میں اتنا کہوں گا کہ نارتھ کشمیر تک ہی محدود نہیں تھا, اس کے علاوہ بھی کہیں جگہ پہ یہ اس کے جو فٹ پرنٹس ہیں وہ دکھ رہے ہیں, بٹ اس وقت پہ اسٹیج پہ اس کے بارے میں بات کرنا صحیح نہیں رہے گا.